वेलकम ऑल ऑफ यू, खुशामदीद। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे WD ग्रीन SSD। ये वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ, अनबॉक्सिंग, क्लोनिंग एंड टेस्टिंग। ओके, सो ये जो है SSD ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ एंड सेकेंड चीज़ ये है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज़ इसीलिए मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको एक इजी वे में बनाऊँ ताकि आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो पाए कि कैसे इसको असेंबल करते हैं और कैसे मेन जो पार्ट है क्लोनिंग कैसा करते हैं। ओके, सो यूट्यूब पे कई सारी वीडियो अवेलेबल है बट मैंने इसको इजी तरीके से अवेलेबल है। तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चलिए बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। मैं आपको बता दूं कैसा दिखता है ये, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप इसे अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये है SSD WD ग्रीन SSD, नीचे से खुला हुआ है, कोई इशू नहीं है। ओके, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है। WD ग्रीन 240 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, एंड सबसे पहले हम इधर ऊपर देख लेते इसका जो फॉर्म फैक्टर वगैरह, पीछे कुछ सेलर डिटेल्स दी हुई है, राइट साइड में कुछ लोगो वगैरह है WD का, ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं। तो चलिए मैं उसको ओपन कर देता हूँ। ये रहा आपका छोटा सा कॉम्पैक्ट सा SSD, ज़रा सा भी हैवी नहीं है, एकदम लाइट वेट है। पीछे साइड सीरियल नंबर एंड ऑल डिटेल्स है, ऊपर साइड आप देखोगे एक SATA कनेक्टर एंड एक पावर केब कनेक्टर है। ये कुछ मैनुअल्स है, ठीक है, तो इसे स्किप करता हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। राइट साइड में कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, आप वीडियो पॉज करके उसे भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, आते हैं थोड़ा असेंबलिंग में। आप देख सकते हो मेरे PC का जो कैबिनेट है इसमें ऑलरेडी SSD का स्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 SSD बिठा सकता हूँ, तो ये मैंने बिठाया हूँ 2 सिल्वर स्क्रू के साथ। ये देखिए मैंने येलो से हाईलाइट किया हूँ, तो इसके ज़रिए मैंने इसको फिट किया हूँ। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर आपके PC में नहीं है SSD स्लॉट तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए एक एक्सटर्नल SSD स्लॉट आता है अमेजोन से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। आपको एक दिखा देता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ। देखिए एक प्लास्टिक में आता है 189 रुपीज़ का। एंड दूसरा जो आता है वो है मेटल का आता है, और ये कुछ शायद 399 का है। एंड इसमें आपको SATA केबल वगैरह सब फ्री देते हैं लोग, तो ये भी आप बाय कर सकते हो। और ये तीसरा जो आता है ये भी मेटल का आता है। सो तीनों ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक बाय कर सकते हो, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं इसको केबल वेबल लगा देता हूँ। जब तक केबल लगा दो, आपको बता दूँ कि लैपटॉप के लिए ये कनेक्टर ज़रूरी है। ये कनेक्टर को हम कहते हैं USB to SATA कनेक्टर, अगर आप लैपटॉप से क्लोनिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी है। देखिए मैंने ये असेंबलिंग कर दिया, केबल वेबल लगा दिया, SATA एंड पावर कनेक्टर लगा दिया। सो गाइस, इस केबल का जो लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है, फॉर लैपटॉप यूजर्स ओनली। सो चलिए, मैंने तो SSD लगा दिया हूँ। यहाँ पे मैं पावर ऑन करता हूँ सिस्टम। पावर ऑन करते ही आपको BIOS में जाना है। BIOS आपका कोई भी लैपटॉप वगैरह होगा, F2 वगैरह, F1, एस्केप बटन या फिर डिलीट बटन, तीनों में से कोई एक बटन काम कर जाएगा। तो ये मैं आ गया हूँ BIOS में। यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मेरा SSD डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, वर्क करना है। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव प्रॉपर्टी में आप बूट ऑप्शन 2 में देख सकते हो WDC 240 GB। तो यहाँ पे मेरा SSD डिटेक्ट हो चुका है बूट ऑप्शन 2 पे। इसको मैं 2 पे ही रखूँगा, क्लोनिंग के बाद हम इसे 1 पे रखेंगे, ठीक है, अभी फ़िलहाल 2 पे ही रखेंगे। तो ये मैंने सिस्टम ऑन कर दिया हूँ, क्लोनिंग फेज में आ चुके हैं हम। तो क्लोनिंग करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि आपको जितना भी वेस्ट और अनयूज डेटा है उसको क्लीन करना है आपके हार्ड डिस्क से। सेकंड चीज़, आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप क्लीन नहीं करना चाहते हो, आप उसको एक्सटर्नल ड्राइव में कॉपी कीजिए और फिर उसको क्लीन कर दीजिए। तीसरा ये कि जो भी अनयूज वेस्ट सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए।
पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस इज कि आपका हार्ड ड्राइव पूरा क्लीन होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको कॉपी कीजिए। देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, एक पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, तो वैसा आप एक्सटर्नल इसमें कॉपी कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये क्यों है मैं आगे जाके बताऊँगा। चलिए हम मैक्रियम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम क्लोनिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जब होम यूज़र पे क्लिक करोगे, आप ईमेल वगैरह पूछेगा नहीं डालोगे तो भी चलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। नीचे देखिए डाउनलोड हो चुका, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फ्री फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर आप वीडियो आज से 2 साल बाद भी देख रहे हैं तो मैक्रियम 8 या 9 आ जाए तो भी आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, फ्री वर्जन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ्री पे फ्री जो है वो सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। ये जो डिफ़ॉल्ट है उसे डिफ़ॉल्ट ही रखिए, उसे कुछ चेंजेस मत कीजिए। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ये डाउनलोड में थोड़ा टाइम लेगा एज़ पर योर इंटरनेट स्पीड। आपका इंटरनेट स्पीड जैसा रहेगा उस हिसाब से डाउनलोड होगा। मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया, वो मेरा थोड़ा सा स्लो था इंटरनेट स्पीड। ये सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है। आप दूसरे वीडियो में देखेंगे यूट्यूब वीडियो में तो वो लोग ने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर बताया है, लेकिन उसमें लाइसेंस वगैरह रिक्वायर होता है। मैंने सब ट्राई किया तो मुझे ये थोड़ा सही लगा कि आपको इजी पड़ेगा क्लोनिंग करने के लिए। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल चुका है, इसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना चालू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आया है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, होम पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालते ही ना आपको एक कोड आएगा, गेट माय कोड पे क्लिक करना है इस तरह से। जैसे मैं ईमेल एड्रेस डाल दिया, जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया हो, अभी उसके बाद मैं क्लिक करूँगा गेट माय कोड। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे ईमेल पे एक कोड आएगा, तो आप ईमेल में जाके अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, वो कोड आपको इधर डालना है। वो एक ट्रायल कोड है 1 महीने का 1 मंथ का, तो वो डालते ही आपका जो ये प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा फॉर 1 मंथ। एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए, ये एज इट इज़ रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। सबसे ईजी वे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, ओके, लॉन्च नाउ का ऑप्शन आ गया, फिनिश पे क्लिक कीजिए और आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि हमें क्लोनिंग स्टार्ट करना है। क्लोनिंग कैसे करना है, हमारा जो करंट हार्ड डिस्क है उससे हमारी जो न्यू SSD उसमें, अब ये देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ना, हमारा SSD शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे देखो ये हमारा करंट हार्ड डिस्क है जिसमें हमारा सारा डेटा है। ठीक है, ये हमारा करंट हार्ड डिस्क है जहाँ से हमें डेटा लेना है, और ये हमारा न्यू SSD है, ब्लॉक है, यहाँ पे SSD शो नहीं कर रहा है। तो ये शो कैसा करेगा, ज़रा अभी पैनिक ना होइए, फॉलो कीजिए मुझे। यहाँ पे दिस PC पे राइट क्लिक कीजिए, मैनेज पे जाइए। देखिए इधर आप डिस्क मैनेजमेंट में जाइए, यहाँ पे जब जैसे डिस्क मैनेजमेंट जाएंगे ना, यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, ये बोल रहा है कि आपका जो न्यू SSD है ना डिटेक्ट हुआ है, इसको आपको माउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे GPT का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए एंड जो GPT के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ओके कर दिए। जैसे आप ओके करेंगे आपका SSD माउंट हो जाएगा, यानी आपके PC में माउंट हो जाएगा, और जब आप सॉफ्टवेयर में फिर से जाएंगे तो वहाँ पे आपको SSD शो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा SSD शो कर रहा है। सो प्रॉब्लम यही था कि हमने उसको माउंट नहीं किया था प्रॉपरली, तो डिस्क मैनेजमेंट जाके यहाँ से आप माउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये डिटेक्ट हो चुका है, हम क्लोन डिस्क पे क्लिक करेंगे। क्लोन डिस्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स हमें करंट हार्ड ड्राइव सिलेक्ट करना है, यहाँ पे SSD सिलेक्टेड है, तो मैं इसको चेंज करूँगा, सिलेक्ट अ डिफरेंट सोर्स डिस्क। यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे, मेरा जो करंट हार्ड ड्राइव है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, प्रॉपरली हो चुका है। अब हम डेस्टिनेशन पे हमारा न्यू SSD सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा डालना है। तो सिलेक्ट अ डिस्क टू क्लोन टू, यहाँ पे देखिए न्यू SSD। अब इसमें एक पार्टीशन है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, उसे मुझे ज़रूरत नहीं है, डिलीट एग्जिस्टिंग पर, परफेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट हार्ड डिस्क है ना उसमें 3 पार्टीशन है, ब्लू कलर के आपको दिख रहे होंगे, 1, 2, 3। तो मैं उसमें से 2 ही उठाऊंगा, क्योंकि जो तीसरा है डी वाला उस पे से मैं, उसमें मेरे पर्सनल डेटा थे तो मैंने उसको एक्सटर्नल ड्राइव में कॉपी कर चुका हूँ, वो था इंपॉर्टेंट स्टेप, समझ में आया। ये देखा रेड कलर का,
तो उसको मैंने ऑलरेडी मेरा पर्सनल डेटा कॉपी कर चुका, मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको नहीं लूँगा। तो मैं सिर्फ जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स है और जो डेटा है उसी को मैंने पार्टीशन ले लिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे शेड्यूल बता रहे हैं आपको बाद में करना है क्या, तो वो आपकी मर्जी, नहीं कीजिए नेक्स्ट कीजिए, उसे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्लोनिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा है, फाइल सिस्टम एंड ऑल कितना स्पीड है वगैरह वगैरह, तो आप फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है ना उसको अनटिक कर दीजिए, वो कुछ XML फाइल वगैरह तो नहीं चाहिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका क्लोनिंग जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये आपकी हार्ड डिस्क से सारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारा डेटा उठा के आपके SSD में एज इट इज़ रख देगा, बूट फाइल वगैरह वगैरह एज इट इज़ कॉपी कर देगा। और ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेता है, मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। तो आपके पास फ्री टाइम है तो ही करिए। पार्टीशन का आपको समझ में आ गया है ना कैसा करना है, कि जो डी ड्राइव में जो आपका डेटा है ना वो आप एक्सटर्नल ड्राइव में कॉपी कर लीजिए। अच्छा, जो अगर आप बोलेंगे कि मैंने SSD में ठीक है क्लोनिंग कर दिया वो डी का पार्टीशन, तो वो डिलीट नहीं होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो क्लोनिंग सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा रिकॉर्डिंग टेक्निकल इशू था इसलिए नहीं दिखा पाया। तो आफ्टर क्लोनिंग सक्सेसफुल हम रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, देखिए मैंने रिस्टार्ट किया हो। अब हम जाएंगे बायोस में, यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं टेस्टिंग फेज में, ठीक है। बायोस में जाके हार्ड ड्राइव प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे जो बूट ऑप्शन सेकंड को है ना उसको अपन फर्स्ट पे लेके आएंगे, यानी हमारा जो SSD उसको फर्स्ट पे लेके आएंगे, ठीक है। पहले सेकंड पे था हमने उसको फर्स्ट पे लेके आया, यानी अभी हमें SSD से ही बूट करना है। देखिए फर्स्ट पे आ चुका है, हमें सेव करके रिस्टार्ट कर। सो गाइस रिस्टार्ट हमने कर दिया है यहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, हमने जो रिस्टार्ट किया है वो बूट ले रहा है न्यू SSD से, ठीक है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसे फास्ट चालू होना चाहिए, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, जब न्यू SSD से आप फर्स्ट टाइम बूट करते हैं ना वो बहुत स्लो बूट होता है। रीज़न ये है कि वो आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह है ना उसकी इंडेक्सिंग चालू कर देता है। इंडेक्सिंग मीन्स वो सारा लोकेशन अपने मेमोरी में सेव कर लेता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे सेव है, तो फर्स्ट टाइम ही ये करता है, इस वजह से बहुत स्लो चालू होता है। तो आप पैनिक मत हो जाना यार SSD लगा दिया फिर भी सिस्टम स्लो चालू हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट रिस्टार्ट करोगे ना आप, नेक्स्ट रिस्टार्ट से फिर वो फास्ट चालू होगा, फिर वो इंडेक्सिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी देखिए ये बहुत स्लो चालू हो रहा है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया और प्लस वीडियो भी कट किया हो। सो ये मेरा जो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम SSD बहुत टाइम ले लिया इसने, कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लिया है, ओके। मेरे इसमें डेटा भी ज़्यादा था तो उसने बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। अब ये चालू तो हो चुका है, अब मैं क्या करता हूँ इसको रीस्टार्ट करता हूँ आपको बताने के लिए कि नेक्स्ट रीस्टार्ट से कितना कितना टाइम लेता है चालू होने के लिए। तो चलिए मैं आपके लिए काम करता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ। नीचे देखिए, देखिए कितना फास्ट चालू होगा अभी। वाह, ओनली 19 सेकेंड्स, ये इससे भी जल्दी चालू होता है, कभी कभी 15 सेकेंड में भी चालू हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन डेटा व्हाट यू हैव, ओके। सो ये था हमारा टेस्टिंग फेज आफ्टर क्लोनिंग के कितना फास्ट चालू होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसका रीड एंड राइट स्पीड चेक करेंगे। वो कैसा चेक करेंगे, एक सॉफ्टवेयर आता है क्रिस्टल डिस्क करके, क्रिस्टल डिस्क इन्फो करके, या क्रिस्टल डिस्क मार्क कह सकते हैं। ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, आप SSD के स्पीड इससे चेक कर सकते हैं, हार्ड डिस्क की स्पीड भी चेक कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द पीपल SSD के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो इंस्टॉलर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसका मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये डाउनलोड हो चुका है, इसे मैं ओपन करता हूँ, रन करता हूँ, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्रिएट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, लॉन्च नाउ। देखिए ये सब सेटिंग्स आप डिफॉल्ट रखिए, मेक श्योर कि जो आपका थर्ड सेटिंग जब येलो से मार्क किया वहाँ पे SSD सिलेक्ट होना चाहिए, सी ड्राइव एंड ऑल पे क्लिक कीजिए।
फाइनली देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, राइट स्पीड भी अच्छा है, राइट स्पीड और भी ज़्यादा दिखाता है। शायद मेरे बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस चालू होगा इसलिए कम दिखा रहा होगा, लेकिन ये और भी अच्छा दिखाता है, 400 तक 300 तक ऐसा दिखाता है। ठीक है, तो परफेक्ट रिजल्ट है। मेक श्योर यहाँ पे आप SSD सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना है वारंटी के लिए, तो आप तो अपने जो भी ब्रांड है सैमसंग क्रूशल जो भी SSD है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये WD का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। एंड हाँ, लास्ट में एक टेस्ट है SSD वर्सेस हार्ड डिस्क, मैंने स्पीड टेस्ट किया हुआ लाइव, आपको दिखा देता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो WD 240 GB, राइट साइड में है Seagate 500 GB। ओके, देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा, SSD का ही होगा, अराउंड 21 सेकेंड लेता है, मतलब 15 से 25 सेकेंड के बीच में ही ये चालू हो जाता है। देखिए इसने ले लिया 21 सेकेंड। राइट साइड में है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका हम अगर देखें इस पूरे स्टेप में, जो मैं पार्टीशन का आपको बताया था ना, मैंने थर्ड पार्टीशन लिया नहीं था। अगर आप सोचोगे कि मैंने थर्ड पार्टीशन नहीं लिया तो वो आपका डेटा लॉस हो जाएगा क्या, आपका अगर ये क्वेश्चन है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपका हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क, ओल्ड हार्ड डिस्क में से कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। जब आप SSD से बूट करोगे ना, तो आप माय कंप्यूटर में जाके देखोगे आपका सारा हार्ड डिस्क शो करेगा, तो वहाँ से जाके आप आपका डेटा कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए डिलीट करने बोला था बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर 500 GB आपका हार्ड डिस्क है और 240 GB SSD है, तो 500 GB के अंदर जो डेटा है वो 240 GB के अंदर कैसे आएगा, लॉजिक सी बात है। इस वजह से मैंने कहा था आप जितना हो सके आपका डेटा क्लीन रखो कि वो 240 GB के अंदर आ जाए, 240 GB, नहीं तो 220 GB या 200 GB के अंदर अंदर आपका डेटा आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हो राइट साइड में वेलकम स्क्रीन तो आ चुका है, लेकिन एक बार जब आप SSD यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना, यकीन कीजिए फिर आप हार्ड डिस्क वाले सिस्टम पे बैठ नहीं पाओगे, बिकॉज आपको SSD का आदत लग जाएगा कि 21 सेकेंड में चालू हो जाती है। यानी आप चालू करो, कुर्सी सही करके बैठो, तब तक आपका PC ऑन हो जाता है। ये देखिए, ये ले लिया अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट ले लिया, यानी 1 मिनट 55 सेकेंड। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि मैं देख सकूँ आप क्या क्या इश्यू फेस करना पड़ रहा है क्लोनिंग करते हो। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।